नमस्कार, टीएनपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो आरोप उन पर लगे हैं उनसे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होगा। इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह ने इस्तीफा देने से भी साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में पहलवानों का ये आंदोलन भी धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर ओलंपियन विनेश फोगाट के नेतृत्व में देश के कई दिग्गज पहलवानों का धरना आज भी जारी है। पहलवानों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये साफ कर दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। वही बात अगर बृजभूषण की करें तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है और अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उधर पहलवानों की लिस्ट आरोपों को लेकर लंबी है। भारत के स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने केंद्रीय खेल मंत्रालय से बातचीत के बाद बड़ा बयान दिया। विनेश ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार या सरकार के लोगों से नहीं है बल्कि सिर्फ एक इंसान से है, इसलिए हम यहाँ डटे रहेंगे और जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक धरना जारी रखेंगे। विनेश ने कहा कि अगर हम अपनी पहलवानी छोड़कर आ सकते हैं तो अध्यक्ष जी अपना पद नहीं छोड़ सकते। वहीं दूसरी ओर कुछ खिलाड़ी बृजभूषण के समर्थन में भी उतर आए हैं। दिव्या काकरान ने कहा कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 10 साल से खुद पहलवानों के कैंप का हिस्सा बनी हूँ, मैंने कभी भी किसी के साथ बदसलूकी नहीं होते देखा। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय पहलवान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने का काम किया है बृजभूषण शरण सिंह ने। मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज जो लोग धरने पे बैठे हैं वही 2 महीने पहले ट्वीट कर रहे थे, उनकी पोस्ट डाल रहे थे, अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष आए बृजभूषण सर जी तब से हमारी कुश्ती चेंज हुई है। ये वही लोग हैं जब इनके अवार्ड आते हैं ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला, क्योंकि आप ऊपर तक बात करते हो, आप हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते हो, कभी किसी चीज में आपने भेदभाव नहीं किया है हमारे साथ। और हमारी कुश्ती पहली ऐसी है जिसके इतने नेशनल होते हैं, पहले 19 साल की उम्र में नेशनल स्टार्ट होते थे पर आज बच्चा बच्चा नेशनल लड़ रहा है। और इतने सारे खेलो इंडिया होते हैं, रैंकिंग सीरीज होती है, फेडरेशन कप होता है, इतने सारे नेशनल वो कैसे करा सकते हैं? वो इसलिए कराते हैं क्योंकि हमें कंपनियां मिल रही है, टाटा मोटर्स और जो कंपनी स्पॉन्सर ढूंढ के लाते हैं उनके उनसे वो पैसे लेके तब वो इतने सारे नेशनल कराते हैं, जिससे छोटे स्तर पे बच्चों में इम्प्रूवमेंट आनी स्टार्ट हुए। और ये बात एक पहलवान ने बोली थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक रेसलर के साथ, आप सबको पता है कि आजकल सभी बाहर विदेश का ट्रेंड चल रहा है, एक के साथ दूसरा पार्टनर जाता है, किसी लड़की के साथ दूसरा पार्टनर जाता है, और यहाँ पे खुद लड़कियों के साथ उनके हस्बैंड जाते हैं, हस्बैंड के साथ उनकी वाइफ जाती है। सर ने पहले सख्त मना कर दिया था पर जब देखा कि इतने बड़े बड़े कॉम्पिटिशन है इन्हें भेजना चाहिए, उन्होंने अपने स्तर पे आके उन लोगों को बाहर भेजा और उनकी ट्रेनिंग करवाई। ये वो बृजभूषण सर है जो सबसे ऊपर होके हमारी कुश्ती को बढ़ावा देते। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन इसी बीच हरियाणा से कई खाप पंचायतों ने दिल्ली का रुख कर लिया है। ऐसे में सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जंतर मंतर से शुरू हुआ ये धरना कोई बड़ा रूप लेता दिखाई दे रहा है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार कोई बड़ा कदम उठाए ताकि इस मामले पर विराम लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।